आपका स्वागत करते हैं एक नई वनस्पति जानकारी के साथ। आज की वनस्पति है काशनी। इसकी पहचान, इसके फायदे, इसके नुकसान, इसके गुणधर्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस काशनी का उपयोग सबसे ज्यादा लीवर और किडनी जैसी समस्याओं में किया जाता है। तो इस काशनी को भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि हिंदी में काशनी, गुजराती में काशनी, अरबी में हिंदुवार, इंदिवा, चिकोरा और इसका बॉटिकल नाम सिकोरियम एंटीवक्स है। और ये वनस्पति उत्तर और पश्चिम हिंदुस्तान में 6000 फीट तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। ये बलूचिस्तान, पश्चिम दक्षिण और यूरोप में पैदा होती है। इसके पत्ते पालक की पत्ते की तरह ही होते हैं। इसके किनारे कटी हुई रहती हैं। इसकी नोक नीचे की ओर झुकी हुई रहती है। इसके फूल चमकीले नीले रंग के होते हैं। इसकी मंजरियाँ मुलायम होती हैं। इस वनस्पति का रस दूधिया रंग का निकलता है। ये वनस्पति दो प्रजातियों में पाई जाती है। एक प्रजाति जिसको खेतों में उगाई जाती है, जिसकी खेती की जाती है। दूसरी प्रजाति जो स्वतः उग जाती है, जो जंगलों में पाई जाती है। जिस काशनी की खेती की जाती है उसका स्वाद मीठा होता है और जंगली काशनी का स्वाद कड़वा होता है। इस काशनी के अंदर प्रोटीन, मैग्नीशियम, फाइबर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B6 और फॉलिक एसिड आदि तत्व इसमें पाए जाते हैं। चिकोरा या काशनी के गुणधर्म की बात करें, जिसकी खेती की जाती है उसका स्वाद मीठा, पौष्टिक, शीतल होता है। प्यास, सिरदर्द, नेत्र रोग, गले की जलन, फैटी लीवर, बुखार, वमन, अतिसार में ये बड़ी लाभदायक होती है। इसकी जड़ अग्निवर्धक, मूत्र रक्तवर्धक, शोधक होती है। इसके पत्तों का प्रयोग जोड़ों की सूजन एवं दर्द को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीज मस्तिष्क की शक्ति को देने वाले होते हैं और इसके बीज कृमिनाशक भी होते हैं। इनके बीजों की कॉफ़ी भी बनाई जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का कैफीन नहीं होता है। यह वनस्पति वैसे तो साल के 12 मास आपको मिल जाती है, परंतु ये जनवरी के बाद जो वर्सिंग का खेत है उसमें ये काफ़ी तादाद में पाई जाती है और इसका उपयोग चारे के रूप में सबसे ज़्यादा गांव में किया जाता है। इस काशनी का अर्क भी निकाला जाता है, जो बाज़ार में आपको बड़ा आसानी से मिल जाता है। इसके चूर्ण या इसके बीज भी आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। इस काशनी या चिकोरा का उपयोग कई सारी बीमारियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द होने पर आप इसके बीज का चूर्ण 102 ग्राम या इसका काढ़ा 10 से 15 ml की मात्रा में सेवन करने से आपका सिर दर्द दूर होता है। इसके पत्तों का रस माथे पर लगा दें या इसके रस को आप चंदन के साथ पीस कर और माथे पर लगाने से भी आपका सिर दर्द दूर हो जाता है। खून की उल्टी में राहत दिलाने के लिए काशनी बहुत काम में लाई जाती है। इसके 2 ग्राम पत्तों का रस पीसकर ठंडे पानी के साथ सेवन करने से खून की उल्टी बंद हो जाती है। मसूड़े में दर्द होने पर आप इनके बीजों का काढ़ा बनाकर गरारे करें तो आपके मुंह के छाले, मुंह पका मुंह और मसूड़ों के दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। इस काशनी का उपयोग लीवर डिसीज पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इस पीलिया होने पर आप इस काशनी के पत्ते या इसका पंचांग ले लें। इसमें मकोए, पुनर्नवा, भूमि आमला, इन सबको मिलाकर आप करीब 20 से 15 ml की मात्रा में आप ले लें और इसको 400 ग्राम पानी में उबालें। जब धीरे धीरे उबालते उबालते ये आधा रह जाए तो आप इसको छाने और खाली पेट सुबह शाम पिला दें। तो ऐसा करने से आपके लीवर की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। पीलिया, कमला, खून की कमी, यादें, विकार दूर हो जाते हैं। इस काशनी का उपयोग किडनी संस्थान पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। पेशाब धीरे धीरे आना, पेशाब रुक के आना, जलन के साथ आना या कम मात्रा में आना, ऐसी समस्या होने पर आप पीपल की छाल, नीम की छाल, गोखरू, काशनी, मकोए, इनको आप सब ददरा कूट लें और 10 ग्राम की मात्रा में आप एक गिलास पानी, लगभग 300 मिलीलीटर पानी ले लें और उसको आप धीमी आंच पर उबालें। जब उबलते उबलते आधा रह जाए तब आप उसके 3 डोज कर लें और सुबह, दोपहर, शाम, ऐसा आप दिन में 3 बार सेवन करते हैं।
किडनी में आई जो विकार हैं, जो मूत्र समस्याएं हैं, पेशाब धीरे धीरे या जलन के साथ आना या डायलिसिस जैसी समस्या है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। मूत्र संस्थान के लिए ये औषधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जिन स्त्रियों को मासिक धर्म नहीं आता है, किसी भी कारण से आपको पता नहीं है, फिर भी आप इसमें कासनी के बीज, गाजर, मूली और मेथी, इन चारों के बीज आप ले लें और इनको थोड़ा थोड़ा कूट लें और करीब 10 ग्राम की मात्रा में आप लें और इसको 300 ग्राम पानी में उबालें। जो उबलते उबलते ये आधा रह जाए, इसको आप छानकर खाली पेट सुबह और शाम पिला दें। ऐसा आप मात्र 3 दिन करें। ऐसा करने से आपको लंबे समय तक रुका हुआ मासिक धर्म खुल के आ जाता है। अर्थराइटिस या गठिया एक ऐसा रोग है जिसमें जिस व्यक्ति को हो जाता है उसकी गांठ गांठ में दर्द होता है। ये दर्द वही व्यक्ति जान सकता है जिसको ये बीमारी होती है। तो ऐसे में आप इसके पत्तों को तोड़कर पीसकर उसका आप लेप जोड़ों पे करते हैं तो संधिशूल और संधिशोथ में बहुत ही लाभ होता है। आजकल तनाव और काम के दबाव के कारण अनिद्रा की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आप कासनी के पत्तों के साथ पित्त पापड़ा, गिलोय, नागरमोथा, खश मिलाकर आप इसका काढ़ा बनाएं। 15 से 20 ml की मात्रा में आप सेवन करते हैं तो आपकी प्यास, बेचैनी, निद्रा की समस्या, मूत्र करते समय जलन, बुखार आदि में बहुत ही लाभ होता है। आजकल इतना पॉल्यूशन है कि स्किन प्रॉब्लम होना आम समस्या है। ऐसे में शीतपित्त या स्किन रैशेज हो जाते हैं। ऐसे में आप इसके पत्तों को तोड़ ले, लाल चंदन, गुलाब के अर्क और सिरके के साथ पीसकर आप इसको स्किन पर लगाएं तो आपके शीतपित्त, स्किन रैशेज या लाल लाल चकत्ते, इन सब में काफ़ी आराम होता है। इसी प्रकार आप इसकी बीजों की चाय या कॉफ़ी बना लें। उस कॉफ़ी को पीने से आपके शरीर में स्फूर्ति आती है, एनर्जी आती है और जो बाज़ार से मिलने वाली कॉफ़ी है जिसमें कैफीन होती है जो आपके लिए हानिकारक होती है, ऐसे में आप इनके बीजों की कॉफ़ी बनाएं और इसका सेवन करें। इससे आपके स्वास्थ्य में स्फूर्ति, ताजगी और अच्छा आपको महसूस होता है। कासनी या चकोरा का उपयोग कौन सी बीमारी में करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और ऐसी जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें। अभी तक प्रयोग करने पर इसके कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, फिर भी आप इसको गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे या जिनको पेट में आंतरिक कोई समस्या है उनको इसका सेवन ना करवाएं। ये मूत्रल होती है, जिन लोगों को पेशाब बार बार आती है या बहुमूत्रता की समस्या है उनको भी यह इस काशनी का प्रयोग ना करवाएं, क्योंकि ये मूत्रल होती है, पेशाब की मात्रा को ये बढ़ा देती है, तो उनको इसका सेवन ना करवाएं। तो इस प्रकार इस काशनी का उपयोग आप पंचांग, इसके बीज, पत्ते, तना सबका आप कर सकते हैं। इसके चूर्ण का आप 1 से 5 ग्राम का उपयोग कर सकते हैं और इसके काढ़े का आप 10 से 20 ml की मात्रा में आप यूज में ला सकते हैं। इस वनस्पति का उपयोग किसी विशेष बीमारी में करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर या आयुर्वेदिक चिकित्सक की निगरानी में आप कर सकते हैं। इस कासनी या चिकोरा की महत्वपूर्ण जानकारी यही समाप्त करते हैं और कल हम फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।